लाइला नाम है मेरा। आहा, अब इतनी जल्दी तो नहीं भूले होंगे। अरे अपनी अदाओं से कई बार होश उड़ाया है मैंने आपका। मेरी पहली फिल्म आशिक नवाब तो याद ही होगी आपको, और उसमें मेरा वो गाना तेरे नैनों में झूमे मेरा जिया, ओरे पिया तूने ये क्यों किया। मैं भी कहा उन सुनहरे पुराने दिनों को याद करने लगी। वो वक्त तो कुछ और ही था, बड़े बड़े सेट्स और रंग बिरंगी लाइट्स, उसमें मैं और आपका चिल्लाना लाइला लाइला। याद तो करते होंगे ना आप मुझे कि आखिर फिल्मों की रंगीन दुनिया से कहाँ गायब हो गई आपकी लाइला। दूर तो मैं भी नहीं जाना चाहती थी, पर मेरी ही एक गलती थी जिसने मुझे रंगीन कारपेट से इस व्हील चेयर पर ला दिया। तो आइए ना आपको सब कुछ थोड़ा शुरू से बताती हूँ। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, और एक्टिंग करने का कीड़ा तो मुझ में तब आया जब मैं अपने माँ बाप के साथ रामोजी फिल्म सिटी घूमने गई थी। और मेरी किस्मत तो देखो, मुझे वहाँ सुपरस्टार रजनीकांत दिख गए। उनको देखते ही मैं वहाँ एक कार के बोनट पर खड़ी हो गई और उनका स्टाइल कॉपी कर जोर से चिल्लाई थलाइवा। वहाँ इतनी भीड़ थी कि उन्होंने तो मेरी आवाज सुनी ही नहीं, पर पास ही खड़े एक स्पॉट दादा ने बीड़ी नीचे फेंकते हुए मेरे लिए ताली बजाई और कहा, सुपरस्टार बनेगी तू, चल तुझे मैं स्टूडियो के अंदर से दिखाता हूँ। उसके बाद स्पॉट दादा ने मुझे न सिर्फ स्टूडियो बल्कि मुझे और मेरे माँ बाप को पूरी फिल्म सिटी घुमाई। इस बीच पा और स्पॉट दादा के बीच दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो दोनों आपस में बीड़ी भी शेयर करने लगे। इस बीच घूमते हुए स्पॉट दादा ने मुझे बताया, तुम्हें पता है बिटिया, ये फिल्म सिटी एक युद्ध भूमि के ऊपर बना है जहाँ कभी कब्रिस्तान भी हुआ करता था। मेरे लबों और मन में बस एक ही सवाल उमड़ पड़ा, फिर तो ये जगह भूतिया होगी ना। अरे इतने सारे इंसानों के बीच तो भूत भी डर जाएगा बेटा, पर हाँ रात को होने वाले शूट्स में कई बार लोगों को भूत प्रेत जैसा महसूस तो हुआ है, कभी स्टार्स के वैनिटी वैन में तो कभी कैमरामैन को, पर सब सुनी सुनाई बातें ही है। कहानियाँ तो मैंने भी रामोजी फिल्म सिटी के हॉन्टेड होने के बारे में खूब सुनी थी कि स्टार्स के वैनिटी वैन के मिरर में अक्सर कुछ लिखा हुआ होता है, लाइट्स कांपने लगती हैं और न जाने क्या क्या। पर इन सभी बातों से हटके मेरा ध्यान तो उस वक्त एक वैनिटी पर था कि कैसा होता होगा वो अंदर से। उस दिन न जाने मैंने कितनी ही शूटिंग्स देखी होंगी और साथ ही और स्टार्स को भी आते जाते, पर नजर अक्सर वहीं दौड़ती जब स्टार्स के उतरते या चढ़ते वक्त कुछ सेकंड के लिए वैनिटी का दरवाजा खुलता। स्पॉट दादा मेरे मन की ये बात समझ गए थे और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा आज देख ले बाहर से, पर देखना एक दिन तेरे पास भी अपनी वैनिटी वैन होगी। उस दिन फिल्म सिटी से लौटने के बाद मैं फिर कभी स्पॉट दादा से नहीं मिली, पर उनकी बोली गई बात अक्सर मेरे दिमाग में घूमती। और एक दिन जब स्कूल में साइंस की क्लास चल रही थी तो टीचर ने सबसे पूछा कि वो क्या बनेंगे, किसी ने डॉक्टर कहा तो किसी ने इंजीनियर, पर मैंने अपने दोनों हाथों को खोलते हुए झूम कर कहा, एक्ट्रेस बनूंगी मैं। मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई और साथ ही मेरी खूबसूरती भी बढ़ती चली गई। माँ पा को भी मेरे एक्ट्रेस बनने से कोई एतराज नहीं था, और फिल्म जिंदगी में वो दिन भी आ ही गया जब मैं रोज ऑडिशन की लाइन में लगने लगी। जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री के करीब पहुंचती गई, वैसे वैसे उसके स्याह चेहरे भी मुझे दिखने शुरू हो गए। लंबी लंबी ऑडिशन की लाइन में वो किसी आर्टिस्ट को नहीं ढूंढ रहे थे बल्कि किसी ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढते जो डायरेक्टर्स के साथ साथ एक्टर्स के बिस्तर गर्म करने से भी नहीं कतराए। जब मेरे सामने पहली बार ये सिचुएशन आई तो मैं तो टूट ही गई। ऐसा लगा जैसे बचपन से की गई आज तक की मेहनत का फल किसी के आगे अपनी टांगे फैलाना ही है। पर उस मुश्किल घड़ी में मेरे पा ने मुझे संभाला और इन सभी चीजों को फेस करने की हिम्मत दी, और मैं रोज निकल पड़ती किसी ऐसे काम की तलाश में जिसे सच में एक एक्ट्रेस की जरूरत हो, ना कि जिंदा मांस की। और वो दिन भी मेरे सामने आ गया जब मुझे एक सीरियल में छोटी बहन का रोल मिल गया। हालांकि रोल बहुत बड़ा नहीं था, पर हफ्ते में एक बार तो माँ पा मुझे टीवी पर देख ही सकते थे। खुशी के मारे मैं सीधे घर को निकल गई, लेकिन जब घर पहुँची तो वहाँ लोगों का हुजूम लगा था। मन ही मन मैंने सोचा, आखिर माँ को ये बात कैसे पता चली जो उन्होंने पूरे मोहल्ले को बुला लिया। पर जैसे ही मैं दरवाजे के पास रुकी, एक एम्बुलेंस मेरे सामने आकर रुक गई, जिसमें से दो अजीब से दिखने वाले लोगों ने एक के बाद एक दो चादर से ढकी लाश घर के दरवाजे पर रख दी। लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, साथ ही उनकी फुसफुसाहट भी, और मैं तो जैसे किसी सन्नाटे में खोई हुई सी थी। सब कुछ शांत सा ही था कि तभी एक हवा का तेज झोंका आया और दोनों चादर को उड़ा ले गया, और मैं बदहवास हो जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि मेरे सामने मेरे माँ पा की लाश पड़ी थी। उन दोनों की जान एक एक्सीडेंट में एक दूसरे को बचाते हुए चली गई। उनके जाने के बाद
मैं बिल्कुल अकेले हो गई। महीनों मैंने घर में अपने आप को बंद रखा क्योंकि उनकी यादें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। पर वो मौका हाथ से निकल गया जो काफी मेहनत से मेरे हाथ लगा था। उनकी यादों से उबरने के लिए मैंने दोबारा से ऑडिशन देना शुरू किया, पर इस बार मैं उन ऑडिशन की लाइन में लगने से भी नहीं कतराई जहाँ से मैं कभी भागी भागी फिरती थी। मेरी खूबसूरती के कारण लंबी लंबी लाइन में भी कास्टिंग डायरेक्टर्स की नज़र पहले मुझ पर ही आकर रुकती, जिस वजह से मुझे छोटा मोटा रोल मिलता और बदले में मैं उनके एक आधी अरमान पूरे कर दिया करती। वैसे तरह तरह के लोग होते थे, कोई देखकर तो कोई बस छूकर ही मौका देता था। इसी बीच मेरी मुलाकात सरकार खान से हुई, जिसे अपने सौंदर्य जाल में फंसाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैंने उसे अपनी एक रात का साथ दिया और उसने मुझे रातों रात स्टार बना और कुछ ऐसे मिली मुझे मेरी पहली फिल्म आशिक नवा। फिर उसके बाद तो न जाने मैंने कितनी ही फिल्म की और कितने ही सरकार खान से मिली, कितनी ही रातें मैं अकेले सोई और कितनी ही रात किसी की चादर बन बिछी रही। ये सब मुझे कुछ नहीं याद, बस अब कुछ याद है तो मेरी आखिरी फिल्म स्पॉट दादा, जिसकी शूटिंग बम्बई में नहीं बल्कि हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होने वाली थी। वो दिन मुहूर्त का था, सेट पर फिल्म का हीरो और डायरेक्टर सब पहुंच गए। क्योंकि फिल्म का नाम ही स्पॉट दादा था तो वहाँ बहुत सारे स्पॉट दादा कहे जाने वाले लोग भी मौजूद थे। उसी में एक स्पॉट दादा जाकर हीरो के गले लग गया और उन्हें धन्यवाद करने लगा, पर उस स्टार किड सो कॉल्ड एक्टर को उसकी कोई कदर नहीं थी और उसने उसे धक्का देते हुए खुद से अलग कर दिया और डायरेक्टर पर भड़क गया, जिसके तुरंत बाद डायरेक्टर के इशारे पर सभी स्पॉट दादाओं को वहाँ से दूर कर दिया गया। उसी बीच एक जानी पहचानी शक्ल मुझे दिखी, उसी स्पॉट दादा की जिसने मुझ में एक्ट्रेस बनने की चिंगारी भरी थी। मुझे देख वो बहुत खुश हुए, मेरी तरफ वो देखे जा रहे थे और मुझसे मिलने की जिद करने लगे। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं जाऊं और उन्हें गले लगा लूं और जी भर के रो और उन्हें सब कुछ बताओ। पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती, उस ड्रामे बाज एक्टर ने फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया और कहने लगा, या तो आज मुहूर्त में नमूनों की चिकचिक होगी और या फिर मैं। अब ये तो आप भी जानते ही हैं, इस इंडस्ट्री में हीरो की कितनी चलती है, इसलिए वहाँ से सभी स्पॉट दादाओं को धक्के मार के दूर भगा दिया गया। मेरे अपने स्पॉट दादा भी चिल्लाते रहे, अरे अरे रुको रुको रुको, अरे मैं जानता हूँ हीरोइन को, अरे बेटी जैसी है वो मेरी, एक बार मुझे वहाँ ले चलो तुम्हें वो खुद बता देगी। पर मैं क्या बताती, मेरी सक्सेस नहीं मेरे पाँव को बांध रखा था। हीरो के खिलाफ मैं भी उस वक्त नहीं जा सकी और उसका मन बहलाती रही। मुहूर्त में फिल्म सिटी में काफी हंगामा हुआ और हीरो भी आनंद फानंद में निकल गया और अपने स्पॉट दादा की तलाश में मैं बस जाने वाली थी कि तभी मेरी असिस्टेंट ने मुझसे कहा, मैम लगता है कुछ पकेड़ा हुआ है, चलिए यहाँ से जल्दी निकलते हैं। स्पॉट दादा भी नहीं मिले तो मैं भी वहाँ से निकल ही पड़ी। यूँ तो अगले दिन से ही शूट शुरू होने वाला था पर कई हफ्तों तक शूट नहीं हुआ। फाइनली 2 महीने बाद शूट का पहला दिन था, वैसे बस कहने को ही दिन था क्योंकि शूट नाइट में हो रही थी। सेट पर वो बिगड़ा हुआ एक्टर भी आया पर वो आज काफी शांत और डरा भी था। आते ही वो वैनिटी वैन में घुस गया और फिर अंदर जाते ही चीख पड़ा क्योंकि उसके आईने पर कुछ लिखा था कि आज का दिन उसके लिए आखिरी है। इस घटना के बाद खूब हंगामा हुआ पर पता ही नहीं लगा कि ये भद्दा मजाक किसने किया है। हीरो तो अब उस वैनिटी वैन में घुसने को भी तैयार नहीं था, इसलिए हमने आपस में अपनी वैनिटी बदल ली और मैं खुद उसकी वैनिटी में चली गई। पर अब वहाँ आईने में कुछ भी नहीं लिखा था, मैंने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया और तैयार होने चली गई और फिर चेंज कर आईने के सामने बैठ गई और मैं मन ही मन स्पॉट दादा और रामोजी के भूतिया होने के बारे में सोचने लगी। फिर जैसे ही मैंने इयररिंग पहनने के लिए आईने में देखा तो आईने में स्पॉट दादा मेरे पीछे खड़े थे। खुशी के मारे मेरा तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे तैयार होने की जल्दी थी इसलिए आईने में देखते देखते ही मैंने उनसे बातें शुरू कर दी और उनसे माफ़ी भी मांगी और फिर उन्हें गले लगाने के लिए जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था और जब वापस आईने में मैंने देखा तो स्पॉट दादा मुझे फिर से दिखने लगे। डर के मारे मेरी तो रूह कांप गई और भागते हुए मैं सीधे वैनिटी वैन के दरवाजे की तरफ आ गई, पर न जाने क्यों वो खुल ही नहीं रहा था। ऊपर से अंदर की लाइट्स भी आने जाने लगी। डर के मारे मैं चीखने और चिल्लाने लगी, लोगों से मदद मांगने लगी, पर किसी को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तभी स्पॉट दादा की आवाज़ आई, बेटा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, आईने के सामने आओ। उनकी बात सुन मैं आईने के सामने चली गई, जिसमें मुझे वो सब कुछ दिखने लगा जो मुहूर्त के दिन हुआ था। जो स्पॉट बॉय उस दिन हीरो के गले लगा वो कोई और नहीं बल्कि स्पॉट दादा का ही बेटा था। हीरो उसकी बेइज्जती करने लगा और इसके बाद वो स्पॉट बॉय काफी उदास हो गया और वो अपने आप से ही घृणा करने लगा। लेकिन जब स्पॉट दादा ने मुझे देखा तो उन्होंने अपने बेटे से कहा,
कि वो तो चुटकी में सारे स्टार से उसे मिलवा देंगे, क्योंकि स्पॉट दादा ने मुझे देखा, क्योंकि वो मुझे जानते थे। पर ऐसा हो ना सका, उल्टे इस वजह से उनकी भी बहुत बेइज्जती हुई, जो उनके बेटे से झेला ना गया, और उसने उसी समय सुसाइड कर लिया। और जब स्पॉट दादा इस बात को लेकर हीरो के पास गए तो हीरो ने भी उनकी बहुत पिटाई की, और जब उनकी हालत मरने जैसी हो गई तो उन्हें कुचलता हुआ भाग गया और आज लौट के आया। पर आज वो जिंदा लौट के नहीं जाएगा। ये सारी चीजें दिखाते हुए स्पॉट दादा आईने से गायब हो गए और उस पर लिखा हुआ आ गया कि हीरो आज मारा जाएगा। मैं भाग के फिर से दरवाजे के पास गई, जो इस बार खुला हुआ था। मैं तेजी से निकलते हुए सेट पर पहुंची, जहां सब कुछ ठीक था। अगर कुछ ठीक नहीं था तो वो थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ होने वाला है। तभी डायरेक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और उस दिन का शॉट समझाने लगे, पर मेरा ध्यान अभी भी सेट पर उसी हीरो की तरफ ही था, क्योंकि आज उस पर यमराज खुद ही सवार थे। कि तभी अचानक से सेट की लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगी, और उसके बाद सारी लाइट एक एक कर फटने लगी। कि तभी मेरी नजर ऊपर लगी लाइट पर गई, जिसके ठीक नीचे वो हीरो खड़ा था, जो अभी भी जल रही थी। और हीरो मानो डर के मारे एक शिला बन गया हो। कि अचानक से उस लाइट की छतरी ढीली हुई और वो नीचे गिरने लगी। मैं तेजी से आगे बढ़ी और हीरो को धक्का दे दिया, और मैं खुद उस लाइट के नीचे आ गई, जिसके तुरंत बाद मुझे किसी के हंसने की भयानक आवाज सुनाई थी, और वहीं मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी, जहां मुझे पता चला कि मैं अब कभी चल नहीं सकती थी। और ये तो गनीमत थी कि लाइट की जंजीर एन मौके पर अटक गई, नहीं तो अगर वो पूरे तरीके से मेरे ऊपर गिरती तो मुझे कुछ भी हो सकता था। मेरी असिस्टेंट ने मेरी तरफ जूस बढ़ाया और तभी उसके मोबाइल पर एक फोन आया, जिसके तुरंत बाद उसने टीवी ऑन किया और न्यूज लगाई, जिसमें उस हीरो की दर्दनाक मौत की खबर और वीडियो भी आ रही थी, जहां स्टूडियो के अंदर उसके ऊपर एक भारी लाइट गिर गई। न्यूज वाले एक ही सीन को बार बार दिखा रहे थे, जिस पर मैंने अपने असिस्टेंट से पूछा, तुम्हें अभी क्या क्या दिख रहा है इस न्यूज में? एक बड़ी स्पॉटलाइट और खून के धब्बे और शरीर का खिंचा हुआ निशान। पर आप ये क्यों पूछ रही है मैम? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे उसके अंदर स्पॉट दादा भी दिख रहे थे, जिन्होंने जानबूझकर लाइट हीरो के ऊपर गिराई थी। पर ये किसी और को क्यों नहीं दिख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर इतना समझ गई थी कि स्पॉट दादा ने अपना बदला ले लिया। भले ही उन्होंने बचपन में मुझसे कहा कि रामोजी में भूतों की बात कहने को है, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ से तो भूत भी डर जाएगा, पर भूत भला इंसान से क्यों डरने लगे? क्योंकि मरने के बाद इंसान ही तो भूत बनते हैं।